हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइस अगर आपके पास सैमसंग डिवाइस यानी सैमसंग गलेक्सी ए ट्वेल्व है एंड जिसके अंदर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो भैया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है सैमसंग डिवाइस के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है पावर बटन को दबाओ वॉल्यूम को दबाओ एंड ये काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो चुका है एंड कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो एंड एम आई के अंदर तो भैया यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स वाला स्क्रीन शॉट मिल जाता है बट सैमसंग तो के अंदर ये फीचर आपको नहीं देखने को मिलता है सोज इस वीडियो के अंदर आपको दो वे और बताने वाला हूं जिसके साथ आप इजीली यहाँ पे स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा सेटिंग के अंदर जाना है वहाँ पे जाने के बाद आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है एंड देन नीचे जाने के बाद एच पैनल को आपने ओपन कर देना है सिंपली एच पैनल को ओपन करना है तो यहाँ पे आपके पास एच पैनल ओपन हो जाएगा मिनिमाइज कर देते हैं एज पैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट अलार्म वगैरह के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ईजिली आप अपने जो शॉर्टकट की हैं यहाँ पे हैंडल कर पाओगे स्क्रीन शॉट ले पाओगे एंड काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर और ऐड एप वगैरह आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो जिसके साथ आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का हो जाएगा और आपका जो आप फ़ोन यूज़ करते हो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड आपकी टाइम बचेगा और भैया पावर बटन से स्क्रीनशॉट लेना वगैरह पुराना स्टाइल हो चुका है और सैमसंग ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझता ऐसे गेस्टर है जो थ्री लाइन वाला वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा सो so गैस एक और फीचर है जिसके लिए आपको क्या करना होगा सेटिंग के अंदर जाना है असेसिबिलिटी को ओपन करना है एंड यहाँ पे भैया देख लो कि मैं किसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यार काफ़ी मुश्किल सा वर्ड ये इस डेक्स uh, ट्रीलिटी पता नहीं यार क्या क्या लिखा है इन्होंने उसके ऊपर जाने के बाद असिस्टेंट मेन्यू को ऑन कर देना सिंपली आप अगर सेटिंग के ऊपर जाते हो और सर्च में जा कर सर्च करते हो असिस्टेंट मेन्यू तो वहाँ पे भी ये फीचर आ जाता है एंड सिंपली आपको इसको ओपन कर देना है तो यहाँ पे आपको एक टॉप अप दिखाई देगा जैसे आईफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड इस टॉप अप के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पर बैक मेन्यू वीडियो वॉल्यूम काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर फीचर्स को और भी ऐड या रिमूव भी कर सकते हो सो so, ये वाला काफ़ी कमाल का है बट मुझे गाइस एच पैनल वाला काफ़ी कमाल का लगता है बिकॉज ये बीच में नहीं आता ये थोड़ा सा बीच में आ जाता है जब आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ये यहाँ इसके ऊपर क्लिक हो जाता है और ये ओपन हो जाता है सो so, गाइज मेरी सजेशन ये है कि आप एच पैनल का यूज़ करो एंड काफ़ी कमाल का फीचर है वो इतना शो भी नहीं करता दिखता भी नहीं एच पैनल आप देख सकते हो कि एक लाइन सी है सिंपल सी और वो साइड में छिप जाती है एंड इसके सेटिंग्स भी हैं इसको आप साइज़ वगैरह इसका इंक्रीज हिडन वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो एंड दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं ट्राई करके देखना आपको जो भी आपको पसंद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पसंद है असिस्टेंट मेन्यू या फिर एच पैनल एंड गाइस वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय टेक केयर